नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य और एंजल वन दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और जो एंजल वन है, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो यहाँ पर जो एंजल वन है, इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डाउनलोड्स। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन को अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और अगर हम एंजल वन की बात करें तो इसको गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एंजल वन के काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हैं शून्य एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपन करवाने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एंजल वन की। तो एंजल वन में आपको पहले साल 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। पर लेकिन जैसे ही आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल से आपको एंजल वन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यह समझते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा एंजल वन में दूसरे साल से। तो अगर आपका डीमार्ट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है, तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है, तो इस कंडीशन में आपको 20 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमार्ट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंजल वन के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि आपका अकाउंट किसके अंडर में आता है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो इस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और एंजल वन के अंदर भी आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में भी हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें दोनों एप्लीकेशन में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है। अगर हम एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिए जाएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस समय हमें DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 9 रुपये प्लस GST हैं, और एंजल वन के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा।
अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। एंजल वन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर अप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर अप चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके वह चार्जेस लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर अप चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्कोर अप चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एंजल वन के अंदर जो ऑटो स्कोर अप चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर आप अपने खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बेच दें जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा कम चार्ज देना पड़ रहा है एंजल वन के मुकाबले। तो यहाँ पर इन दोनों में दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन में हमें बहुत कम चार्ज देना पड़ रहा है एंजल वन के मुकाबले। और दूसरा डिफरेंस यह है कि यहाँ पर जो एंजल वन का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले। यानी कि जो एंजल वन का इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और जो एंजल वन है वो ज़्यादा हैंग भी नहीं होता है शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले। शून्य एप्लीकेशन में आपको कम चार्जेस देखने को मिलते हैं पर लेकिन जो शून्य एप्लीकेशन है वो बहुत स्लो वर्क करता है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। पर लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना था कि दोनों एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है और किस में एडवांटेज है और किस में डिसएडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।